मंडल अस्पताल में कार्यरत राजीव रंजन सड़क हादसे में बुरी तरह हुए जख्मी, बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर किया गया रेफर। बीती रात मधुपुर सरठ मुख्य मार्ग चांदमारी के समीप मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत राजीव रंजन एक सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे एक ट्रक अंधेरे में खड़ी थी, जो लगभग सड़क का एक हिस्सा घेरे हुई थी। अंधेरा होने की वजह से दूर से नजर नहीं आ रही थी, साथ ही ट्रक की पार्किंग लाइट भी नहीं चल रही थी, जिससे राजीव को समझ में नहीं आया और अपनी मोटरसाइकिल से ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गए, जिससे राजीव के सर और नाक पे चोट आई है। स्थानीय लोगों ने मधुपुर थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही एएसआई शौकत खान अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायल राजीव को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां अच्छी हालत नहीं देख डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। चोट लगा है, नाक शायद फ्रैक्चर किया हुआ है और मैंडिबल के पास भी, दांत के पास वहाँ भी फ्रैक्चर किया हुआ है, तो उसको तो ये प्राइवेट स्टिच करके उसको रेफर किया जा रहा है हायर सेंटर में। और भी कहीं बॉडी में कहीं और बॉडी में और कहीं ये चोट नहीं है। चलिए ठीक। हम लोग बगल में खड़े थे तो पता चला कि बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ। पटना ट्रांसपोर्ट के पास कोई ट्रक खड़ी थी, वो माल, पटना ट्रांसपोर्ट का माल उतर रहा था, तो हम लोगों ने जाकर देखा कि एक बाइक वाला जो है बुरी तरह से जख्मी है और छपटा रहा है। वो रोड पे सोया हुआ था और गाड़ी जो है उसका मोटरसाइकिल जो है वो पूरी तरह से ट्रक के अंदर ढुका हुआ था। माने बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ और उस गाड़ी जो चला रहा था, जो ड्राइवर था गाड़ी का, बाइक का जो सवार था, बहुत ही स्पीड में था। और अगर देखिए, भगवान करे कि बच जाए, अल्लाह करे कि इसके बाल बच्चा जो है, हम पता चला कि इसके बाल बच्चे भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बच जाए बेचारा, लेकिन एक्सीडेंट बहुत भयानक है। हम लोगों को जैसे मालूम हुआ तुरंत हम लोग स्पॉट पर पहुँचे और पहुँच के तुरंत इसको हॉस्पिटल लाए ताकि इसका सही से उपचार हो सके और इलाज हो सके। ट्रक जो खड़ी थी पटना ट्रांसपोर्ट, वो पीछे इंडिकेटर वगैरह कुछ लाइट जला कर रखी थी इसी तरह? ये तो हम लोग देखे नहीं इंडिकेटर, तो उसको तो अगर ट्रक रोड पे अगर खड़ी थी तो इंडिकेटर तो चलाना चाहिए उसको, ताकि राहगीर को पता चले कि हाँ यहाँ ट्रक खड़ी है। ये तो हम देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, उसको रखना चाहिए।